अस्सलाम वालेकुम आदाब। आज के दिन का अपडेट मैं सोचा एक बार फिर आपको दिखा दे। बाकी हम न्यूज़ 18 के माध्यम से आपको दिखा ही रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जो घर जो यहाँ पर डेंस घर थे, यहाँ पर कटोच मोहल्ला जिसे कहा जाता था, उसकी हालत देखिए। कितने क्रैक्स पड़े हुए हैं, किस तरह के क्रैक्स है ये, और किस तरह जो कि घर जो है तहस नहस हो गया है। तह वो बाला जिसे हम कहते हैं वो हो गया है यहाँ पर घर। और बारिश भी लगातार हो रही है, बारिश की तेज़ हो रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बारिश का सिलसिला भी बढ़ रहा है। और ये तस्वीरें जो है नहायत दिल खराश, दिल तोड़ देने वाले ही है कि किस तरह लोगों के आशियाने, उनकी ज़मीनें, उनके घर बार सब कुछ जो है वो लुट गया, तबाह हो गया, नीस्त तो नाबूद हो गया। और ये सिलसिला लगातार जारी है, इस तरह से ही कंटिन्यू ये जो सिंकिंग है यहाँ हो रही है। ये घर किस तरह टूटे हैं, ये कच्चा घर हुआ करता था, लोग यहाँ पर रहा करते थे एक वक्त में। और आज ऐसा वक्त है कि अटेंड कर रहा था मैं, तो ये देखिए आप किस तरह के मनाजिर है यहाँ पर प्रनौत इलाके में। और बारिश भी पड़ रही है, अब यहाँ से निकल रहे हैं। चलो भाई, नहीं नहीं बारिश में नहीं फंसना। ये देखिए इनके बाग थे, यहाँ पर घर थे, सब चीज़ जो है वो टूट गया है, बिखर गया है। यहाँ अनारदाना बना करता था एक वक्त में, यहाँ का अनारदाना बहुत मशहूर है। आप जानते हैं कंगा परनोत एरिया का अनारदाना बहुत फेमस था, लेकिन वो भी अब ख़त्म हो गया। चलो भाई पैकअप, यहाँ से आगे की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये घर है दीम इकबाल कटोच, मदीन कटोच, शाहनवाज कटोच, कटोच फैमिलीज के घर थे यहाँ पर। जो देखिए किस तरह के मंजर जो यहाँ पेश कर रहे हैं, दिल खराश है, तकलीफ देह है। इन लोगों की जिंदगी भर की जो मेहनत थी कमाई जो है यहाँ लुट गई, मिट गई, तबाह हो गई। और इस नेचुरल डिजास्टर के साथ में चलो भाई पैकअप कर। तो ये नहायत दिल खराश मंजर है। मैं भी एक कर दूंगा यार, आ जा तब तक इधर आना, मैं भी एक वॉक थ्रू रिकॉर्ड कर लूंगा।